बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका दूसरा नाम जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक 2D का और दूसरा 3D का। जब 2D की बात करते हैं तो जस्ट हमारे पास जो है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों हमारे पास आते हैं। जबकि अगर हम 3D की बात करें तो हमारे पास एक तीसरा वेक्टर भी इन्वॉल्व होता है, इसमें थर्ड प्लेन भी इन्वॉल्व होती है जिसको हम नाम देते हैं जेड एक्सिस का। ठीक है, ये बेसिकली जेड एक्सिस जो है ये एक्स और वाई इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर या 90 डिग्री की वैल्यू पे होता है। लेकिन जब हम इसको पेज पे ड्रॉ करते हैं तो हम इसको थोड़ा सा टिल्ट करके, इस तरह से टेढ़ा करके ड्रॉ करते हैं, क्योंकि बिल्कुल सीधा जो है वो हम पेज पे इसको शो नहीं करा सकते, इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई दे रहा है, जबकि एक्चुअल में ये इन दोनों का जो ओरिजिन है इस पे 90 डिग्री पे होता है। आई से मुराद यहाँ पर पोजिशन वेक्टर है। पोजिशन वेक्टर हमने वैसे भी लगा है, हमने पहले से पोजिशन वेक्टर डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज किया जाता है। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन जो होगी उसको शो करने के लिए आई वेक्टर होगा, वाई एक्सिस की डायरेक्शन को जे प्रेजेंट करेगा और एक्स और जी एक्सिस को के से हम प्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस है तो इसके ऑपोजिट साइड पे हमारे पास माइनस एक्स एक्सिस होती है। बिल्कुल इसी तरह से आई जो है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये है, यहाँ पर जिसको हम माइनस आई का, इसी तरह से माइनस जी एंड माइनस के का नाम देंगे। ये बेसिकली हमारे पास कार्टेशियन यूनिट वेक्टर जो हमारे पास सिस्टम होता है वो होता है। ठीक है, तो इसमें ये होता है बेसिकली, ये हम यहाँ पर देखेंगे इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इसको इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, फर्स्ट करें आपके पास वेक्टर की कोई भी वैल्यूज दे दी जाती है, अगर तो दो वैल्यूज दी जाती है इसका मतलब है कि आपको 2D की वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो आपने 2D में ही रहना, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन दोनों के लिहाज से आपने जो है वो वेक्टर को ड्रॉ करना है। फर्स्ट करें हमारे पास यहाँ पर एक्सिस की वैल्यू 5 दे दी जाती है और वाई एक्सिस की वैल्यू 10 दे दी जाती है। तो हमने यहाँ से पॉइंट्स करने हैं कि एक्स एक्स के लिहाज से यहाँ से 5 हो और वाई एक्सिस के लिहाज से हमने देखना 10, तो हम इस तरह से एक वेक्टर जो है वो ड्रॉ कर देंगे। अगर हमें 3 वैल्यूज दी गई हो तो ऑब्वियस ही बात है कि फिर हम जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देख के जज करके हम वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारे पास है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से मुराद है कि आप वेक्टर को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं। लाइक ये आपके पास वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन अगर आप इस पे देखेंगे तो ये टी के लिहाज से हो जाएगा। अगर इसका प्रोजेक्शन जो है वो इस एन एक्सिस पे देखेंगे तो ये एन बन जाएगा। इसको सिंपल वे से समझाने के लिए एक्स एक्सिस के लिहाज से मैं बताती हूँ तो वहां पर ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। लाइक ये डिसाइड कर लेते हैं हम लोग कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और दूसरी वाई एक्सिस है, मतलब हमारे पास 2D प्लेन है। अब इसमें हमारे पास एक वेक्टर ए है, ये एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। अब ए का प्रोजेक्शन या ए का साया जो एक्स एक्सिस पड़ेगा उसको हम ए एक्स का नाम देंगे। जो इसको इस तरह से हम इसका जो साया इस तरह से ड्रॉ करें, मतलब डॉटेड लाइन से इसके एरो हेड से हम वाई एक्सिस पे ले जाके हम देखें कि इसका वाई एक्सिस पे इतना असर पड़ रहा है या इतना इसका साया पड़ रहा है, तो उसको हम ए वाई का नाम देते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हम इसको यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो ए वाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको हम अगर यहाँ पर प्लेस करते तो हमारे पास हेड टू टेल रूल बन जाता है। इसी डायग्राम को देखने आप, इसमें जैसे ये देखें हमारे पास जो है वो ये एक्स एक्सिस वाली प्लेन है और ये जो ए वाई था इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर सिंपली प्लेस किया है इस डायग्राम में। तो ये अगेन अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास ये हेड टू टेल रूल बन गया है। तो हेड टू टेल रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से ए हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब आई और जे से मुराद कोई नई बात नहीं है। जैसे प्रीवियस स्लाइड में देखा था आई से मुराद क्या है, इसकी पोजीशन को शो करने के लिए जो हमने वेक्टर जो है वो शो किया, यूनिट वेक्टर जो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, एक्सिस की डायरेक्शन आई से शो हो रहा है और जे की डायरेक्शन जो है वो इससे से शो हो रही है वाई एक्सिस से। तो इसको जब हमने कहा है कि ये दोनों जो है वो इसके कंपोनेंट्स है, तो ऑब्वियस ही बात है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास वापस ये वेक्टर आ जाएगा। अब 2D वेक्टर्स में अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स देखें तो उसमें क्या आता है हमारे पास, हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारे पास इसका प्रोजेक्शन जो है वाई एक्सिस पे ए एक्स है, वाई एक्सिस पे हमारे पास ए वाई है। ठीक है, तो अगर हम एंगल के लिहाज से बात करें, ये एंगल हमारे पास थीटा बन रहा है, तो साइन थीटा की अगर हम बात करें तो साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास ए वाई है और हाइपोटेनियस हमारे पास ए है, मतलब ए वाई डिवाइडेड बाई ए। यहाँ से जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे साइन थीटा के एंगल में तो हम यहाँ से हम ए वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए वाई यहाँ पर रह जाएगा, साइन थीटा जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास ए वाई की वैल्यू होगी। बिल्कुल इसी तरह से हम इसी ट्राइंगल को, ये जो राइट ट्राइंगल है इसको हम कॉस थीटा के लिहाज से देखते हैं, तो कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास क्या है, ए एक्स है और हाइपोटेनियस हमारे पास ए है। ठीक है, हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट की
यहाँ से हम एक की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी एक कॉस थीटा। सिंपल भी हमें कह सकते हैं कि हम जो वाई एक्सिस में हमारे पास ए वाई आता है उसकी वैल्यू आएगी ए साइन थीटा, जो एक्स एक्सिस पे हमारा जो प्रोजेक्शन हम देख रहे हैं वो आएगा ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा। ये दो फॉर्मूलाज हमारे पास आके 2D के केस में। अब हमें पता है कि हमने जो डायरेक्शन शो करनी है ए एक्स एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, साथ में आई आ जाएगा, वाई एक्सिस की जो डायरेक्शन हमने शो करनी है वो जे आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे सिंपल वे में हमने देखा था लास्ट टाइम भी, ये ए वाई को हमने सपोज कर लिया था कि हम इसको यहाँ से ये और ये बराबर है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये वाला जो वेक्टर है हम इसकी डायरेक्शन तो सेम रहेगी ना, इसको यहाँ रहने दें या इसको यहाँ पर इसके साथ प्लेस करते हैं हेड टू टेल रूट करने के लिए। तो जब हम यहाँ पर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है ये राइट ट्राइंगल बन गई है। ठीक है, राइट ट्राइंगल में हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। अगर उर्दू में आपने पढ़ा तो उस मसला फीसागोरस के नाम से हम उसको जानते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है, उसमें हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास हाइपोटेनियस है वो बेस और परपेंडिकुलर दोनों के स्केयर के बराबर है। ठीक है, ए का स्केयर, ए एक्स का स्केयर और वाई का स्केयर, लेकिन हमें यहाँ पर सिंपल ए की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे दूसरी साइड पे स्केयर रूट ले लेंगे। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो आप पाइथागोरस थ्योरम को रिवाइज करेंगे तो आपको इसको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। दूसरा, जब हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी होती है तो हम टेन थीटा को फॉलो करते हैं। ठीक है, इसी ट्राइंगल में अगर हम टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है ए वाई और बेस हमारे पास क्या है ए एक्स है। ठीक है, तो हमें सिर्फ थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम टेन को दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो टेन इनवर्स बन जाएगा ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। ये हमारे पास डायरेक्शन की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी हो या एंगल फाइंड करना हो तो हमारे पास इस फॉर्मूले से आ जाएगा। मैग्नीट्यूड अगर हमने वेक्टर का इस वेक्टर का फाइंड करना हो तो हमारे पास ये फॉर्मूला होगा। मीन्स टू से अगर हमें कोई वेक्टर गिवन हो, फर्स्ट करिए हमें ए वेक्टर गिवन, ठीक है, ए वेक्टर गिवन है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक्स एक्स के लिहाज से हम इसका एक्स कंपोनेंट फाइंड करेंगे, वाई एक्सिस के लिहाज से हम इसका वाई कंपोनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, इन दोनों का सम का स्केयर ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों का ये स्केयर लेंगे, ये स्केयर लेंगे, फिर इन दोनों का सम और देन स्केयर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास जो है वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अगर हमें स्पेसिफिक एंगल बी फाइंड करना है कि ये जो थीटा है इसकी क्या वैल्यू है, तो हम सिंपल टेन इनवर्स करके ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स करेंगे, तो हमारे पास इसका जो है वो थीटा भी आ जाएगा। अब हमने पहले बात की थी 2D वेक्टर्स की, अब हम बात करते हैं 3D वेक्टर्स की। ठीक है, तो 3D वेक्टर्स में और 2D वेक्टर्स में क्या होता है, इसमें सिंपल एक चीज मजीद ऐड हो जाती है, वो हमारे पास कौन सी चीज ऐड होती है, AZ। ठीक है, AZ हमारे पास ऐड हो जाता है। इसमें क्या है, वही की वही पहले बातें, जैसे पहले हमने AXi पढ़ा था प्लस AYJ पढ़ा था, अब साथ में AZK आ गया। ठीक है, ये कैलकुलेशन ये स्टेप्स दो तीन स्टेप्स में इसको बताया, इसको अगर आप इतने ज्यादा स्टेप्स को फॉलो ना भी करें, आप डायरेक्टली इसको इस तरह से लिख दें जैसे हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि हमारे पास ये देखें, अब इसमें AXi, AYJ और AZK, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास में तीन ऑप्शन आ जाते हैं इसको प्रेजेंट करने के। ठीक है, स्पेस के लिहाज से भी हमें इसको देखना पड़ता है। जो जी एक्सिस है उसको हमने स्पेस का नाम भी दिया हुआ है, जो हमारे पास थर्ड वन कोऑर्डिनेट जो आता है। 2D की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अगर हमने 3D के लिहाज से देखें, वो जो लास्ट टाइम अगर आपको ये वाली डायग्राम क्लियर नहीं है तो वो मजीद क्लियर हो जाएगी। अब देखें, लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्शन देखा था सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के लिहाज से, अब यहाँ पर तीसरे के लिहाज से भी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास ए कोई भी वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एक्स एक्सिस पे। तो ए का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के लिहाज से हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, AX आता होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम प्रॉपर वे से अगर थीटा के लिहाज से वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है उसको हमने अल्फा का नाम दिया। ठीक है, तो अल्फा अगर हमने कॉस अल्फा फाइंड करना हो, क्योंकि हमें पता है एक्स एक्सिस के साथ हमारे पास जो एंगल बन रहा होता है जो हम कंसीडर करते हैं वो हमारे पास कॉस अल्फा ही बन रहा होता है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो है वो प्रूफ भी किया था एक्स एक्सिस के साथ कॉस थीटा आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर थीटा की बजाय अल्फा, तो कॉस अल्फा की जब भी हम बात करेंगे तो कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास क्या है, AX है और हाइपोटेनियस हमारे पास A है। ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट की यहाँ से हम AX की वैल्यू निकाल सकते हैं। AX की वैल्यू यहाँ पर 3D के केस में हमारे पास आ जाएगी A cos अल्फा। ठीक है, अगर 2D की बात याद हो तो उसमें और उसमें फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे एंगल थीटा लिया तो यहाँ पर हमारे पास आया था A cos थीटा, ज्यादा फर्क नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम वाई एक्सिस के लिहाज से cos थीटा देखेंगे, अब इस एंगल का जो प्रोजेक्शन है, पहले हमने एक्स एक्सिस के लिहाज से देखा था, अब हम इसका प्रोजेक्शन
वाई एक्सिस के लिहाज से देखेंगे तो इसका जो साया वाई एक्सिस पे पड़ रहा होगा हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो उसमें जो है वो हम एंगल फाइंड करने की कोशिश करेंगे, उसमें हम कॉस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉस बीटा की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं तो इसमें ही जो है वो कॉस बीटा कॉस की अगर वैल्यू हम दिखा देखें तो क्या होती है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है वो बेस आएगी ए बाय और हाइपोटेनियस हमारे पास ए है। ठीक है, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास हाइपोटेनियस है और ये इसका परपेंडिकुलर है, तो ए बाय डिवाइडेड बाय ए। तो ये हमारे पास आंसर आएगा ए बाय इज इक्वल टू ए कॉस बीटा। अब जब हम थर्ड वन की बात करते हैं कंपोनेंट की, अब हम जी के लिहाज से देखते हैं, अब हम ए का प्रोजेक्शन जो है वो जी के लिहाज से देखते हैं। तो जब ए का प्रोजेक्शन हम जी के लिहाज से देखेंगे तो ये हमारे पास आएगा कॉस गामा इज इक्वल टू ए जी डिवाइडेड बाय ए। सेम वही फार्मूला जैसे कॉस हमारे पास क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो इसमें हमारे पास जो बेस है वो ए जी है। ठीक है, ये हमारे पास बेस है, ये ए जी है और हमारे पास हाइपोटेनियस है वो कैपिटल ए है। तो हम इसको इस तरह से वैल्यूज पुट करके यहाँ से ए जी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब जो है हम इन तीनों को अगर हमने कंबाइन करके लिखना हो, अल्फा बीटा एंड गामा, तीनों एंगल को हमने अलग अलग देख लिया कि इसकी इसका अल्फा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल जो है वो अल्फा बन रहा है, इसी वेक्टर का यहाँ से लेके यहाँ तक जो है एंगल वो बीटा बन रहा है, इसी वेक्टर का यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बन रहा है उसको हमने गामा बनाया। ठीक है, तो तीनों को हम सम करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ए एक्स आई ए वाई जे एंड ए सी के तीनों से हम करेंगे। ठीक है, अब इसको मैग्नीट्यूड में जो हमने लास्ट टाइम टू डी की बात की थी, जो एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर पड़ा था, अब साथ में एक तीसरा कंपोनेंट भी ऐड हो जाएगा ए जी। ठीक है, जब हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं तो हमने ए अल्फा बीटा एंड गामा इन सब की अलग अलग वैल्यूज फाइंड कर दी है, तो वो वैल्यूज जो है वो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, बस उनको एक ही जगह पे समराइज फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ। अब है इनको ऐड करना। ठीक है, वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट कर लेते हैं। अब पहले तो हमने एक ही वेक्टर को लिया था ना, जिसे हमने ए का नाम दिया था, अब हम दो वेक्टर्स को ऐड करें। एक वेक्टर हमारे पास ए है और एक हमारे पास वेक्टर बी है। लाइक हमारे पास जैसे यहाँ पर एक ही वेक्टर है ना ए, अगर हमारे पास कोई और वेक्टर बी भी हो और हमने उसको भी ऐड करना तो हम उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक जनरल फार्मूला आ जाए, हमने जब नेक्स्ट करना हो सॉल्यूशन को फाइंड करना हो तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले में इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसमें फर्ज कर लेते हैं हमारे पास वेक्टर ए वो 3D में है। ठीक है, तो उसके तीन कंपोनेंट्स होंगे, इसी तरह से बी वेक्टर है तो उसके भी तीन कंपोनेंट्स होंगे। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, ए प्लस बी, इन दोनों का सम। इसमें हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज हैं वो ए की वैल्यू पहले पुट कर लेंगे फिर सम कर लेंगे उसमें बी की वैल्यूज। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि एक्स कंपोनेंट जो है वो एक्स कंपोनेंट को अलग कर लेना है। ठीक है, जैसे ए एक्स है और बी एक्स है, इन दोनों ये दोनों जो है वो किसमें आई की डायरेक्शन में है, तो आई इन दोनों में कॉमन आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से ए वाई और बी वाई, ये दोनों सम हो जाएंगे और जे कॉमन आ जाएगा। इसी तरह से ए सी और बी सी, ये दोनों सम हो जाएंगे और के बाहर आ जाएगा। ये एज इट इज जो है वो मैंने जैसे आपको बताया इस इक्वेशन में जस्ट इतना लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया कि एक्स एक्सिस वाली जो वैल्यूज है उनको हमने एक साइड पे कर लिया है, जैसे ए एक्स प्लस बी एक्स और ए वाई प्लस बी वाई, इनको एक साइड पे कर लिया और ए वाई प्लस ए जी प्लस बी जी। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट सिंपल उसके रिजल्टेंट को शो करने के लिए बताया हुआ है कि ये वाला जो एक्स एक्सिस का रिजल्टेंट है वो ए एक्स प्लस बी एक्स है और वाई एक्सिस का जो रिजल्टेंट है वो आर, उसको हमने आर वाई का नाम दिया, तो यहाँ पर ए वाई प्लस बी वाई है और जेड एक्सिस का जो है वो मेरे पास रिजल्टेंट है वो ए जी प्लस बी जी। ठीक है, ये दो है, तो बस इनको अलग अलग करके रख लिया कि अगर आपके पास जो है 3D प्लेन हो, ठीक है, और उसमें आपने वेक्टर्स को दो वेक्टर्स को ऐड करना हो तो आप एक्स कंपोनेंट अगर फाइंड करने का कहा जाए तो आप सिंपल जो है वो बगैर इन सारी कैलकुलेशंस के जनरल फार्मूला फॉलो करेंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स अगर करेंगे तो आपके पास एक्स एक्स के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, वाई एक्स वाई एक्स।